वेलकम बैक। आइए बात करेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर महाराष्ट्र के अंदर AIIMIM का कैसा प्रदर्शन रहा पिछले बार के कंपेयर में। इस बार कुछ लोगों का सवाल था, कुछ लोग जानना चाह रहे थे कि क्या सीट जो घटी बढ़ी वो सारी चीज़ों का तذکرہ करने के लिए। तो आइए इस सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। 2019 के अंदर इलेक्शन हुआ, यानी कि पिछले साल ही यहाँ पर इलेक्शन हुआ, और इस तरीके से देख सकते हैं ये जो नंबर है 40+ सीटों पर यहाँ पर अपना उम्मीदवार उतारा यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, यानी कि इनके जो सदर है उन्होंने 40+ सीटों पर यहाँ पर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई। कितना सफल हुआ आइए थोड़ा सा देखते हैं। मुस्लिम पॉपुलेशन कितना है महाराष्ट्र के अंदर, तो देखा जाए तो यहाँ पर ये जो है लगभग 12% है, यानी कि कह सकते हैं कि 12% जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन से है वहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर, जो कि अच्छी खासी है और सफिशियंट है, कम भी नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन कम तो है ही, लेकिन इतना भी ज़्यादा कम नहीं है। रिजल्ट कैसा रहा था, ये रिजल्ट आप देख सकते हैं कि 2 सीटों पर जीत हुई थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि पहले यानी 2014 के अंदर जिन 2 सीटों पर जीत हुई थी वो 2 सीटें नहीं बचा पाई। 2 नई सीटों पर, यानी दूसरी जो अलग अलग विधानसभा है जहां पर पहले नहीं जीती थी, वहां पर 2 अलग सीटों पर यहां पर जीत हुई, और वो पहले जहां पर जीती हुई थी वो यहां पर इस बार जो है 2019 के अंदर वो हार गए। यानी कि थोड़ा सा ऐसे समझिए, 2019 के अंदर धुले सिटी और मालेगांव सेंट्रल, यहां से इन दोनों विधानसभा से जीत हासिल हुई है। धुले सिटी से शाह फारूक अनवर साहब की जीत हासिल हुई, जबकि सेकंड पोजीशन पर इंडिपेंडेंट थे, और थर्ड पर और फोर्थ पर इस तरीके से पार्टी बनती गई। ये मार्जिन जो जीत का था वो 1.05% था, इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा ही कम मार्जिन के साथ, यानी कि देख सकते हैं कि इनके जो कैंडिडेट है वो 46,679 वोट लाए थे, जबकि ये जो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट है 43,372 वोट लाए थे। जबकि मालेगांव सेंट्रल की अगर बात की जाए तो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जो है ये बहुत ही अच्छे और बड़ी जीतों के साथ यहाँ पर एमआईएम को जीत दिलाई इन्होंने, यानी कि आप देख सकते हैं कि 13.52 मार्जिन, यानी कि एक ह्यूज मार्जिन है, ये बड़ा मार्जिन है, और अच्छे खासे मार्जिन के साथ यहाँ पर कांग्रेस को हराया था, बीजेपी को भी हराया था, और भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी हराया था। यानी कि इनकी ये बहुत बड़ी जीत थी, और इन दोनों सीटों पर, यानी कि धुले सिटी और मालेगांव सेंट्रल, इन दोनों सिटी पर पहली बार जीत हुई महाराष्ट्र के अंदर MIIMIM का। अब बात करते हैं 2014 की। 2014 के अंदर हुआ क्या था एग्जैक्टली, तो 2014 के अंदर औरंगाबाद से एक सीटों पर जीत हासिल की थी, जो कि सैयद इम्तियाज जलील साहब 6.9, यानी लगभग 7% मार्जिन के साथ है। जबकि आप देख सकते हैं बैसुला से MIM की जीत हुई थी, और ये थे वारिस यूसुफ पठान साहब, जो कि 2014 के अंदर 0.6 मार्जिन के साथ, यानी कि बहुत कम मार्जिन के साथ इनको जीत मिली थी। हालांकि ये इन दोनों सीटों पर जीत जरूर मिली थी, लेकिन 2019 के अंदर इन दोनों सीटों पर हुआ क्या था, इन दोनों सीटों में से बायसुला, जो कि यहाँ पर ये जो यूसुफ पठान है, वारिस यूसुफ पठान है, यहाँ पर जीत हुई थी, ये यहाँ पर इस बार सेकेंड पोजिशन पर रहे थे, और 8.22 मार्जिन, बड़े मार्जिन के साथ यहाँ पर इनको हार मिली। इसका रीजन बहुत सारे रीजन है, कह नहीं सकते, जो जो हो गया सो हो गया। इसमें एजाज खान भी इनके जो सामने आए थे, उन्होंने एजाज खान जो कि 2100 वोटों के साथ ये बहुत नीचे रह गए थे। जबकि औरंगाबाद सेंट्रल की बात करते हैं, 2014 के अंदर जो जीत हुई थी वो इम्तियाज जलील साहब को हुई थी। अब चूंकि इम्तियाज जलील MP बन गए थे, तो उन्होंने वो अपना सीट वो खुद नहीं लड़ सकते, तो उन्होंने अपनी जगह पर जो उतारा था वो उतारा था नसीरुद्दीन साहब को, और इस नसीरुद्दीन साहब ने 63,325 वोटों के साथ सेकेंड पोजिशन पर रहे थे, और ये 4.34% मार्जिन के साथ हार मिली थी 2019 के अंदर। यानी कि कुल मिलाकर 2014 के अंदर जिन 2 सीटों पर जीत हुई थी, 2019 के अंदर उन दोनों सीटों पर हार मिली, और जो जिन 2 सीटों पर जीत मिली 2019 के अंदर वो 2 सीटें नहीं थी। ये कुल मिलाकर ये छोटा छोटा सा आंकड़ा था जो कि आपके सामने दिखाया गया। उम्मीद है आने वाले टाइम में महाराष्ट्र, क्योंकि लोकल चुनाव भी कई सारे अच्छे खासे सीटों पर जीती हुई है, औरंगाबाद के अंदर बहुत सारे
सीटों पर जीत हुई है, अलग अलग जगह पर बहुत सारे सीटों पर जीत चुकी है। लोकल चुनाव की बात करते हैं, सिविक बॉडी की बात करते हैं, तो ये है कि धीरे धीरे महाराष्ट्र के अंदर पकड़ अच्छी खासी मजबूत बनाती जा रही है, और आने वाले वक्त में हो सकता है कि और भी ज्यादा जो उम्मीदवार है उनको जीत हासिल हो, और MIM का जीत का जो परचम है और तेजी के साथ भी वहां पर लहरा सकेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। जय हिंद।